करके केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दो दिनों के लिए देश भर के पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से देश भर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नाराज चल रहे हैं। पेट्रोल पंप चलाने वालों का कहना है कि अचानक दाम में भारी कटौती कर देने से उन्हें नुकसान हुआ है। इस कारण पेट्रोलियम डीलर्स कल मंगलवार 31 मई को खुलकर विरोध करने वाले हैं। विरोध के तहत डीलर्स ने सरकारी तेल कंपनियों से मंगलवार को डीजल पेट्रोल नहीं खरीदने का फैसला किया है। मंगलवार यानी 31 मई को 24 राज्यों के पेट्रोल पंप डीलर नो परचेज कैंपेन में शामिल होंगे। वहीं कुछ शहरों में डीलर्स ने मंगलवार को डीजल पेट्रोल नहीं बेचने का फैसला किया। पेट्रोलियम डीलर्स पिछले काफी समय से सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में अचानक कटौती करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने जैसे ही ड्यूटी कम की, डीजल और पेट्रोल दोनों की खुदरा कीमतें एक झटके में कम हो गई हैं। डीलर्स का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले अधिक कीमत पर डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खरीदा था, ड्यूटी में कमी के बाद उन्हें कम भाव पर बेचना पड़ गया। इसके अलावा डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि साल 2017 के बाद मार्जिन में कोई बदलाव नहीं किया गया, इससे भी उन्हें नुकसान हो रहा है। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।